वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज मैं एक कुर्ती जो मेरे थोड़ा फट चुके हैं उसको रिपेयर करके दिखा रही हूँ। मेरा यह कुर्ती बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन मेरे वो फर्नीचर में थोड़ा सा ये था पिन से मेरा कुर्ती ख़राब हो गया, तो इसको रिपेयर करना ज़रूरी था। तो मैं कैसे रिपेयर करी हूँ वही दिखा रही हूँ। तो ये जो होल टू होल्स हो गए, इसको मैं पहले वो जो मेसिन के पतले धागे से इसको पहले स्टिक कर लूँगी, उसके बाद ऊपर से एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो पहले मैं ये थ्रेड से इसको ठीक कर रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे ठीक कर रही हूँ। ये ऐसे ही सिलाई करना है, ये कोई स्टिच नहीं है, नॉर्मली इसको बस मजबूती देने के लिए मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। तो अब इसके पीछे थोड़ा सा पेपर देना होगा ताकि वो जो होल है पूरी तरह मैं ढक सकूं। ये है पेपर जो मैं पीछे से लगा के इसको सीलूंगी। तो मेरा जो होल है बिल्कुल एकदम दिखेगा ही नहीं। देखो मैं ऐसे करके इसमें लगा के फिर ऊपर से सिलाई कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड कैसे मैं सिलाई कर रही हूँ। फ्रेंड अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए मैं सिलाई कर रही हूँ और ऊपर से इसको थोड़ा सिलाई करके इसको होल बंद कर दूँगी। उसके बाद ऊपर से एम्ब्रॉयडरी करूँगी। एम्ब्रॉयडरी मैं ऊन से करूँगी ताकि ऊन का जो चमकदार धागे या सटिन ये से भी कर सकते हैं थ्रेड से, मेरे पास सटिन नहीं है इसीलिए मैं उनसे ही करूँगी। तो देखिए मैं पहले होल बंद कर दे रही हूँ, उसके बाद उनसे इसको फ्लावर बनाऊँगी। तो फ्लावर को ड्रॉ कर लेना होगा पहले, कोई भी पेंसिल या पेन से आप ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई भी फ्लावर जो आपको पसंद हो। तो देखिए मैं पूरा होल एकदम सिलाई कर दी, दिख नहीं रहा है कि होल था ही कहीं एक जरा भी। अब इसको ठीक से देखिए पूरा होल बना बंद हो गए। अब इसको ऊपर से इतना सुंदर एम्ब्रॉयडरी करूँगी ताकि कुछ पता ही ना चले कि यहाँ होल हो चुका था। तो देखिए ये और एक तो होल है, इसको भी ठीक कर रही हूँ। इसको भी धागे से ठीक करना है, नीचे से पेपर देके फिर सेम जैसे वो पुराना उससे किए वैसे ही सेम करना है। इसको भी इसी तरह इसको भी ठीक कर देना है। पहले तो थ्रेड से ऐसे नॉर्मल थ्रेड जो मशीन वाले थ्रेड होते हैं पतले वाले उसी से सिए इसको ठीक कर, बाद में एम्ब्रॉयडरी करूँगी ऊन से। तो देखिए मैं कैसे इसको ठीक कर रही हूँ। ऐसे नॉर्मली कोई भी सिलाई से कर सकते हैं, मैं ऐसे ही कर रही हूँ और इसको स्टिच नहीं है। और बाकी जो फ्लावर बनाऊँगी सेटिन स्टिच और बीच में बटन होल, तो ऐसे ही करूँगी पूरा। तो देखिए मैं इसका पहले इसको अच्छी तरह इसको होल बंद कर लूँ, उसके बाद ऊपर से एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो देखिए फ्रेंड मेरा वीडियो आपको कैसे लग रहा है बताइएगा। अगर मेरे कोई वीडियो ठीक नहीं हो रहे वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्या आप मुझे सपोर्ट करते रहेगा। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड को और कमेंट करके बताइएगा कैसा हुआ मेरा ये रिपेयर हैक, आपको कैसा लगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा ही हो गया था, इसको धीरे धीरे ठीक करना है। ये कुर्ती मेरा बहुत ही अच्छा है, प्योर कॉटन का, जो पहनने से बहुत ही सॉफ्ट है, तो मेरा पसंद का था इसलिए मैं इसको ठीक कर रही हूँ। कलर भी बहुत सुंदर है इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। ये थोड़ा एम्ब्रॉयडरी है भी इसी का, तो वही कलर से कर रही हूँ पिंक कलर से। तो देखिए अभी मैं ऊन से करूँगी ठीक। तो ये मैं ऊन ले ली हूँ, ऊन से सेटिन स्टिच करूँगी फ्लावर बना के। तो फ्लावर बना लूँगी पेंसिल से या पेन से, किसी से भी बना सकते हैं, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, वीडियो बनाते बनाते थोड़ा हट गया है। फ्रेंड मैं कैसे की हूँ वो मैं दिखा रही हूँ थोड़ी देर में ही, मैंने ध्यान नहीं दिया कब हट गया। कुछ भी हो सटिन स्टिच करते जा रहा है, सटिन स्टिच ऐसे होता है
देखिए कैसे कर रही हूँ, एक ये इधर एक बार लेके फिर दूसरे साइड से निकालना है। ऐसे ही है सैटिन स्टिच, बार 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 ऐसे करेंगे तो इसी को बोलते हैं सैटिन स्टिच। तो सैटिन स्टिच करते जाएंगे, देखिए एक बार वो होल करके फिर मेरा ये सुई थोड़ा बड़ा है, छोटा सुई में थोड़ा दिक्कत होती है मुझे, इसीलिए मैं बड़ा सुई ली हूँ। छोटे सुई से असल में मेरा आप में प्रॉब्लम है, इसीलिए बड़ा सुई ली हूँ। आप छोटा सुई से कीजिएगा और सुंदर फिनिशिंग आएगा। और ऊन के लिए तो मोटा सुई चाहिए, क्योंकि ऊन का धागा अटेगा ही नहीं, इसलिए मोटा सुई से करना पड़ेगा। मैं ऊन से कर रही हूँ, तो ये ऊन से सेटिन स्टिच एक साइड से लेके फिर दूसरे साइड में जाके उठाना है। ये है सेटिन स्टिच का मेन। सेटिन स्टिच कोई भी स्टिच बहुत ही इजी होता है, बस ध्यान से देखना है कैसे करना है। ऐसे करके पूरा एक तरह एक पेटल्स बन गए, ऐसे करके चार पेटल बनाऊंगी। देखिए एक पेटल बन गए, इधर एक पेटल और तीन पेटल बनाना है ऐसे करके। उस और एक जो होल है उसमें भी चार पेटल बना, बीच में येलो कलर का बटन होल करूंगी, जो ऊपर फ्लावर के बीच में जो येलो कलर का बनाऊंगी। देखिए ये सेटिन स्टिच बना रही हूँ, बहुत ही आसान है। एक साइड से उठा के फिर दूसरे साइड में निकाल लेना है, एक साइड से सिलाई करके दूसरे साइड से उठा लेना है। यही है सेटिन स्टिच, बहुत ही इजी है, कोई भी कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान दे के करना है, कहाँ पर सिलाई करना है, फ्लावर का ठीक लाइन पर करना होगा। यहाँ पर लाइन गया है, इसी तरह छोटा बड़ा कुछ भी हो उसी लाइन से करते जाना है, फ्लावर आ जाएगा खूब सुंदर से। तो और घना करना है, छोड़ छोड़ के करेंगे तो सुंदर नहीं लगेंगे, एकदम घना करना है, एकदम साइड साइड में छोड़ना नहीं है, तो आपका फूल बहुत सुंदर होंगे। सेटिन स्टिच का, सेटिन स्टिच ज़्यादा सुंदर लगते हैं क्योंकि ये थोड़ा वेलवेटी गेटअप देता है, बहुत सुंदर लगते हैं छूने। अगर वेलवेट जैसा का अगर आपका सेटिन का थ्रेड होगा तो और ही चमकदार और खूब सुंदर लगते हैं। ऊन में उतना चमक नहीं आते हैं, फिर भी अच्छे ही लगते हैं। तो मेरे पास ऊन था, ऊन से ही बनाई, तो पेटल्स बन गए और दो पेटल बनाना है। तो ये लास्ट मैं कर रही हूँ, वो वाला छोटा सा करके वहीं पर स्टॉप कर दूँगी। देखिए क्योंकि ये छोटा जगह है, ये फ्लावर का अपर पोर्शन है जो कि छोटा बनाना है। तो ये हो गया है मेरे दो पेटल कंप्लीट। अब मैं और दो पेटल बनाऊंगी, उसको ड्रॉ करना है, तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए तो पेटल दो पेटल का ड्राइंग करूँगी और उधर भी चार पेटल बनाना है और बीच में येलो कलर का ही बनाना है। देखिए मेरा और एक पेटल स्टार्ट कर दी हूँ, उसका भी कंप्लीट हो गया सारा। जल्दी जल्दी स्किप करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा दिखा चुकी हूँ पहले, वैसे ही करना है जैसे पहले से की हूँ। एक तरफ से लेके सुई दूसरे तरफ एकदम जहाँ पर और एक लाइनिंग है पेन का वहाँ तक उठाना है सुई को, बस यही है सेटिन स्टिच। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान और बहुत सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड मेरा ये एक फ्लावर कंप्लीट होते जा रहा है, फिर और एक फ्लावर दूसरा वाला फ्लावर भी स्टार्ट कर दी हूँ। तो ये दूसरा फ्लावर का एक पेटल बना चुकी हूँ, बीच में येलो कलर का दे चुकी हूँ, वो येलो कलर का फूल वो भी आप कर दीजिएगा बीच में। कोई भी सेटिन स्टिच भी बना सकती है या कोई भी स्टिच बना सकते, बीच में बस खाली जो अच्छा लगेगा। तो फिर ये हो गए मेरा और स्टार्ट। इधर और एक पेटल्स बनाना है, चार पेटल्स बनाना है इधर भी। तो एक दो ऐसे करके बनाते बनाते आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है सेटिन स्टिच, एक तरफ से सुई लेके एकदम दूसरे जो लाइनिंग की है फ्लावर का उस लाइन से उठाना है। इधर जो लाइन है वहाँ पर सुई डाल के दूसरा जो लाइन है उस लाइन में उठाना है। यही है सेटिन स्टिच, बहुत ईजी, आप भी कोई भी कर सकता है। एक जिस लाइन से आप शुरू करेंगे और दूसरे लाइन और एक पेटल का बनाए हैं उस लाइन में उठाना है, ऐसे करके चार पेटल बनाना है। तो मेरा चार पेटल बन जाएंगे तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, बाद में दिखाऊंगी कितने सुंदर कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो मेरा बड़ा हो गया क्योंकि ये पूरा दिखाना पड़ा,
कि कैसे रिपेयर की हूँ, जो कुछ भी हो ये सिलाई का हम ज़्यादा स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए फिर भी मैं बहुत सारा स्किप कर गई हूँ क्योंकि उतना दिखाएंगे तो फिर और वीडियो और ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये लास्ट में वहीं पर ही सिलाई कर देना। ये एक पिटल बन गए, ऐसे करके तीन और पिटल बनेंगे, ऐसे करके दो फ्लावर बन जाएंगे और मेरा होल भी बंद हो जाएगा। और बहुत सुंदर देखिए, दो ये फ्लावर बन गए मेरा, और कितना सुंदर मेरा वो जो होल भी ढक गए और देखने में भी एक सुंदर दो फ्लावर भी बन गए एम्ब्रॉयडरी का एक सुंदर। तो फ्रेंड मेरा वीडियो आपको कैसे लगा बताइएगा, और आने वाले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं दिखाऊंगी। मैं एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट हर तरह का क्राफ्ट बना के दिखाऊँगी। फ्रेंड धन्यवाद।